आज ये है कि बिल गेट्स ने स्कूल बनाया हुआ है सिएटल में, जो कि उनके अपने एग्जेक्टिव्स के लिए, विच इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट एरिया वाइज स्कूल, कितने एकड़ पे स्विमिंग पूल, टेनिस क्लब, एंड वेयर ओनली जो माइक्रोसॉफ्ट के जो एग्जेक्टिव्स हैं ना अपने, सिर्फ वो वहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे क्लास 5 तक बच्चों को कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अवेलेबल नहीं। और स्टीव जॉब का तो आपने भी बोला, स्टीव जॉब के घर पे जिन्होंने उसकी लाइफ को स्टडी किया, ही डिड नॉट अलाउ हिज किड्स टू यूज़ एनी काइंड ऑफ डिवाइस टिल द एज ऑफ 12। क्योंकि मसला ये है कि दो रीज़न है ना, एक तो मेंटल रीज़न है और एक फिज़िकल रीज़न। फिज़िकल रीज़न ये है कि ह्यूमन बॉडी जो है ना, ब्रोन मैरो, वो कमज़ोर होती है 11 साल की उम्र तक। अगर आपने उससे पहले दी तो इसकी रेज जो है ना, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, वो जाके आपके बोन मैरो की डेवलपमेंट रोक देती है। 11 साल से पहले तो आपने हाथ लगाया इसको, यू डायरेक्टली गेटिंग इफेक्टेड, योर बॉडी गेटिंग इफेक्टेड। और जर्मन रिसर्च है कि अगर आप इसको खाना खाते हुए मुंह खोला और इसको यूज़ किया ना, तो सीधा इसकी वेव्स अंदर जाएंगी और कैंसर कर देंगी। हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास बच्चे आ रहे हैं कैंसर के साथ, हार्ट डिजीज़ के साथ, ओनली रीज़न के डिवाइसेस को पास से यूज़ किया बचपन में। तो इसको तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्लास 6 से यूज़